आप देख रहे हैं दखल न्यूज। हमारी सरकार में बिचौलियों और दलालों के लिए नहीं है कोई जगह, कांग्रेस पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। किसानों की कर्ज माफी पर कमलनाथ कैबिनेट की मोहर, 12 दिसंबर तक कर्ज होगा माफ। भोपाल को एक और हवाई सौगात, हैदराबाद के लिए सीधी उड़ान। कतर में संदिग्ध हालत में महिला की मौत, छतरपुर में हुआ बवाल। और राजेश खन्ना को M3 ग्रुप की श्रद्धांजलि, गीत गाकर गायकों ने किया काका को याद। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री ने आज फिर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पहले की योजनाएं जो नामों के आधार पर चली वो आज जमीन पर दिखाई नहीं पड़ती। हमारी सरकार नाम के झगड़ों में न पड़कर काम करने पर विश्वास करती है। हमारी सरकार में दलालों और बिचौलियों की कोई जगह नहीं है। हम सरकार की योजनाओं के लाभार्थी के खातों में सीधा पैसा जमा करके पारदर्शिता और ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। एकीकृत बिहार में पिछली सदी के 8वें दशक में आरंभ की गई मंडल डैम परियोजना को 47 साल बाद मुकाम देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मोदी नगर पहुंचे। प्रधानमंत्री ने पलामू में मंडल डैम परियोजना, कन्हर सोन पाइपलाइन जल आपूर्ति योजना का शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि हमारी सरकार में दलालों और बिचौलियों की कोई जगह नहीं है। भाई और बहनों, ये किसान को सिर्फ वोट बैंक समझने और किसान को अन्नदाता समझने वाले एक तरफ वो लोग हैं जिनके लिए किसान वोट बैंक है, एक तरफ हम लोग हैं जिनके लिए हमारा किसान अन्नदाता है, ये फर्क है। पीएम ने किसानों की कर्ज माफी को लेकर कहा कि कांग्रेस के लिए किसान सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक है, लेकिन हमारे लिए किसान हमारा अन्नदाता है। कांग्रेस और भाजपा में यही अंतर है। कांग्रेस की सरकारों ने समय रहते किसान हितों की परियोजनाओं को पूरा कर दिया होता तो आज किसानों को कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले कांग्रेस सरकारों ने किसान को कर्ज लेने पर मजबूर किया और आज कांग्रेस कर्ज माफी के नाम पर किसानों को गुमराह कर रही है। देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए, देश के किसानों को ताकतवर बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम किसानों और देश की सेवा को अपना धर्म मानकर कार्य कर रहे हैं। आज कमलनाथ कैबिनेट की पहली बैठक हुई। इस बैठक में किसानों की कर्ज माफी को औपचारिक मंजूरी दी गई। बैठक के बाद उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने बताया कि मुख्य फसल ऋण माफी योजना में किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ किया गया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में तय किया गया कि कर्ज माफी में पहले 31 मार्च 2018 तक जिन किसानों ने लोन लिया था उन्हें शामिल किया गया है, लेकिन अब योजना का लाभ 12 दिसंबर 2018 के बीच लोन लेने वाले किसानों को भी मिलेगा। इस योजना से पूरे प्रदेश के 35 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। सरकार ने सबसे ज्यादा जोर लघु और सीमांत किसानों को फायदा पहुंचाने पर दिया। लगभग 35 लाख ऐसे किसानों का कर्ज माफ होगा, फिर चाहे किसानों ने सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र या क्षेत्रीय बैंकों से कर्ज लिया हो। 22 फरवरी से किसानों के खाते में राहत राशि पहुंचने लगेगी। विकास खंड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की योजना को अमलीजामा पहनाने की जिम्मेदारी होगी। 26 जनवरी से किसानों से कर्ज माफी के फॉर्म भरवाए जाएंगे। कमलनाथ मंत्रिमंडल में तय किया गया कि किसान के खाते में 22 फरवरी से राशि आना शुरू हो जाएगी। किसानों को कर्ज मुक्ति प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। 5 फरवरी 2019 से ग्राम पंचायत और बैंकों में सूची चस्पा की जाएगी। कैबिनेट बैठक में यह भी तय किया गया कि आयकर दाता, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और नेता को कर्ज माफी का लाभ नहीं मिलेगा। कैबिनेट बैठक में ग्वालियर व्यापार मेला में वाहनों की बिक्री पर 50% रोड टैक्स में छूट देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि कन्या विवाह में 51,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
मुख्यमंत्री कमलनाथ और इंडिगो एयरलाइंस के चेयरमैन ने भोपाल हैदराबाद फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ भोपाल को नई फ्लाइट की सौगात मिल गई है। इस मौके पर कमलनाथ ने रोजगार के लिए पर्यटन को बढ़ाने पर जोर दिया। भोपाल से हैदराबाद के लिए इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट आज से शुरू हुई। मुख्यमंत्री कमलनाथ और इंडिगो एयरलाइंस के चेयरमैन ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि उनका पहला काम रोजगार बढ़ाना है। पर्यटन के जरिए कैसे रोजगार बढ़े, इस बारे में नीति बना रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों के भविष्य की, आगे आने वाली पीढ़ी की, क्योंकि यही करेंगे निर्माण मध्य प्रदेश का भविष्य में। और हमारी सोच हर चीज में रोजगार की दृष्टि से अगर हम कोई योजना लें, पहला प्रश्न है इसमें कितना पैसा खर्च किया जाएगा, ये इसका मैं तो नहीं है, पर इससे कितना रोजगार के मौके बनेंगे, हमें ये सोच से योजनाएं भी बनानी है। हमारा मापदंड होना चाहिए रोजगार। शिवरी में वो भी यहाँ पे शुरू हो रही है, इसलिए मैं इंडिगो प्रबंधन को बहुत आभार मानना चाहता हूँ, उनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश और खासकर भोपाल से देश भर को हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रयास शुरू कर दिए हैं और इस बारे में एक व्यापक रिपोर्ट देने को कहा है। इस मौके पर आयोजित समारोह में भोपाल सांसद आलोक संजर, विधायक रामेश्वर शर्मा भी मौजूद रहे। एयरपोर्ट डायरेक्टर अनिल विक्रम, एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी और एयरलाइंस के कर्मचारी भी मौजूद थे। यूएआई के कतर में विवाहिता की संदिग्ध मौत पर छतरपुर में उसके परिजनों ने जमकर हंगामा किया और मृतिका का शव उनके हवाले करने की मांग की। इसके बाद पुलिस ने शव विवाहिता के मायके पक्ष को सौंप दिया। मृतिका ममता के परिजनों का आरोप है कि छतरपुर निवासी रविंद्र बघेल कतर एयरलाइंस में नौकरी करता है। 5 साल पहले उसकी शादी ममता से हुई थी। शादी के बाद ममता भी कतर पति के साथ चली गई। 1 साल बाद उसका पति दहेज की मांग को लेकर ममता को प्रताड़ित करने लगा। यह बात फोन से और व्हाट्सएप चैटिंग से ममता अपने परिवार वालों को बताती थी। 27 दिसंबर की रात ममता ने अपने पति से प्रताड़ना और उससे जान से मारने की आशंका जताई थी। अगले ही दिन उसकी 4 मंजिला बिल्डिंग से गिरकर संदिग्ध हालत में ममता की मौत हो गई। हमारे समझी की लड़की यहाँ भी आई थी छतरपुर। इनका लड़का दुबई में कतर में नौकरी करता था, दोहा कतर में। उसने लड़की की वहाँ हत्या कर दी। उसका वीडियो क्लिप भी हमारे पास में, वो भी हमने सब पुलिस प्रशासन को दिखाया, लेकिन हमारी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम केवल डेड बॉडी की मांग कर रहे हैं कि भैया तुमने हत्या कर दी, हमें डेड बॉडी तो दे दो जलाने के लिए। उसका पति बन जाएगा, जलाने के लिए नहीं आया। और यहाँ पूरा प्रशासन उनका पक्ष कर रहा है, हमारी कोई सुनवाई नहीं। हम कल से यहाँ एसपी साहब के पास गए। एसपी साहब ने कहा आप तो भिंड पुराना ग्वालियर के हो, आप तो ऐसी लड़कियों को मरवा देते हो फिर नौटंकी करते हो यहाँ आके, हमारी कोई नहीं सुन रहा है। क्या चाहते हैं? हम तो ज्यादा न्याय चाहते हैं। इन पर हत्या का प्रकरण दर्ज हुए, दहेज मांग रहे थे कई दिनों से, जे दहेज के लिए लड़की को प्रेरित कर रहे थे, दहेज नहीं दिया तो हत्या कर दी लड़की की, वहाँ ले जाके प्लानिंग के साथ। मतलब यहाँ वो है, उसकी लाश लेने के लिए आए थे हम अपने सिस्टर की, यहाँ से मतलब एयरपोर्ट पहुँचे, वहाँ से मतलब इन्होंने घर पे लेके आए, उड़ा के घर पे बैठ के बातचीत करते हैं, उसका मसला हल निकालेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं करा। वहाँ बैठ के बातचीत हुई, लेकिन पुलिस ने हमें क्या डंडे बंडे दिखाने लगे, धमकाने लगे, और पुलिस ने क्या गाड़ी वहाँ के समतल काट लिया। यहाँ भी उसको अंदर डेड बॉडी उगत दी, अंदर हमें जाने नहीं दे रहे, धमकियाँ दे रहे हैं। ममता के परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या पति ने की है, जिसके पहले सभी दस्तावेज उन्होंने दूतावास के माध्यम से कतर भेजे हैं। आज जैसे ही कतर से ममता का शव उसके ससुराल छतरपुर पहुंचा, वैसे ही ममता के परिजन उसके शव की मांग को लेकर हंगामा करने लगे। हंगामा देख पुलिस आ गई और ममता का शव ससुराल पक्ष शमशान घाट ले गया, लेकिन शमशान घाट पर हो रहे हंगामे के बीच पुलिस ने मृतका ममता का शव मायके पक्ष के हवाले कर दिया, जिससे मायके पक्ष के लोग ममता का शव ग्वालियर ले गए। M3 ग्रुप की संगीत संध्या कुछ तो लोग कहेंगे इस बार प्रसिद्ध अभिनेता स्वर्गीय राजेश खन्ना के नाम रही, जहां अशोक सिंह, संजय शर्मा, अरविंद दयाल शर्मा, पूर्वी सुहास, आकृति मेहरा सहित कई गायकों ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा। इस समारोह में मुख्य अतिथि जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा और दखल न्यूज के एडिटर इन चीफ अनुराग उपाध्याय और विशिष्ट अतिथि सीनियर कांग्रेस लीडर सुरेश पचौरी थे। M3 ग्रुप ने प्रसिद्ध अभिनेता स्वर्गीय राजेश खन्ना और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की स्मृति में संगीत संध्या कुछ तो लोग कहेंगे का आयोजन किया, जहां 3 घंटे से ज्यादा समय तक लोग राजेश खन्ना की यादों और उनके नगमों में खोए रहे।
संगीत संध्या के सूत्रधार विमल भंडारी ने राजेश खन्ना के बारे में कई रोचक जानकारियां साझा की। प्रसिद्ध गायक अशोक सिंह, संजय शर्मा, अरविंद दयाल शर्मा, पूर्वी सुहास, आकृति मेहरा, निहारिका और गीतिका ने अपनी मखमली आवाज से सभी का मन मोह लिया। उद्देश्य जहां लोगों के सामने बेहतरीन संगीत प्रस्तुत करना है, वहीं हर बार M3 नए लोगों को भी मंच मुहैया कराता है। संगीत से सजी इस शाम का संगीत संयोजन केदार सिंह चौहान ने किया। इस बार नवोदित गायिका गीतिका ने पहली बार बड़े मंच पर प्रस्तुति दी। समारोह में शिक्षा जगत की नामचीन हस्ती आनंद सबधानी, कांग्रेस नेता कैलाश मिश्रा और गिरीश शर्मा भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते नजर आए। गीत संगीत और संस्कारों से जुड़े इस आयोजन में पूरा M3 ग्रुप परिवार मौजूद था, जहां अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी सभी ने लिया। कुछ तो लोग कहेंगे M3 ग्रुप की दूसरी प्रस्तुति थी। पत्रकारिता के क्षेत्र में बेमिसाल काम करने के लिए M3 ग्रुप और डॉ शंकर दयाल शर्मा फाउंडेशन ने वरिष्ठ पत्रकार आरिफ मिर्जा को डॉ शंकर दयाल शर्मा अवार्ड से नवाजा। इस मौके पर ख्याति प्राप्त तैराक महक मनवारे और जनसंपर्क मंत्री PC शर्मा का भी सम्मान किया गया। M3 ग्रुप ने प्रसिद्ध अभिनेता स्वर्गीय राजेश खन्ना और डॉ शंकर दयाल शर्मा की स्मृति में संगीत संध्या कुछ तो लोग कहेंगे का आयोजन किया, जहां प्रदेश टुडे के वरिष्ठ पत्रकार आरिफ मिर्जा को पत्रकारिता के क्षेत्र में 34 सालों के बेहतरीन कार्य के लिए कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी, दखल न्यूज के एडिटर इन चीफ अनुराग उपाध्याय और M3 ग्रुप के दिनेश गर्ग ने शंकर दयाल शर्मा अवार्ड से सम्मानित किया। कलात्मक लेखन के धनी आरिफ मिर्जा अगर मौसम की खबर भी लिखते हैं तो उससे फूल झड़ने लगते हैं और उनके शब्दों का चयन उन्हें पत्रकारिता में उस मुकाम पर ले जाता है जहां हर पत्रकार पहुंचना चाहता है। वर्तमान में आरिफ मिर्जा लोगों को मलहम लगाने के साथ मिर्ची भी खूब लगाते हैं। प्रदेश में उनका कालम मीडिया मिर्ची खासा लोकप्रिय है। आरिफ मिर्जा को उनकी दीर्घ साधना के लिए यहाँ सम्मानित करते हुए हम खुद गौरवान्वित हैं। बहुत ही अच्छा, वो 1960 से 70 के दशक के और बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार थे और उनको इससे अच्छी श्रद्धांजलि और आदरांजलि नहीं दी जा सकती थी। उन्होंने अभिनय की जो ऊंचाइयां कायम की हैं, बहुत सारी फिल्में उनकी, जवाब नहीं है उनका, और उनको यहाँ जिस तरह से श्रद्धांजलि दी गई वो, और इसके अलावा शहर के कुछ खास लोगों का यहाँ जो सम्मान हुआ है,
उससे भी जिनको सम्मान दिया है आपने उनका भी दायित्व बढ़ जाता है। मैं इस कार्यक्रम में मैंने बहुत एंजॉय किया, बहुत धन्यवाद आपको। समारोह में मध्य प्रदेश के नए जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा का सम्मान दखल न्यूज और M3 ग्रुप की टीम ने किया। दीनदयाल शर्मा जी बधाई, इनकी आवाज किशोर कुमार से मिलती है और राजेश खन्ना से मिलती है, और राजेश ये किशोर कुमार हमारे मध्य प्रदेश के सपूत थे, खंडवा से उनको बड़ा प्यार था, खंडवा में उनका जन्म हुआ। ऐसे कलाकार की याद में जो आज इनने प्रोग्राम रखा है उसके लिए इनको बधाई देता हूँ, बहुत बढ़िया कार्यक्रम था। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि सुरेश पचौरी और मुख्य अतिथि दखल के एडिटर इन चीफ अनुराग उपाध्याय को स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। हम भी दरिया हैं पर सागर हमारी मंजिल नहीं, हम भी दरिया हैं पर सागर हमारी मंजिल नहीं, हम भी सागर हो गए तो हमारा क्या है। मौके पर तैराकी के क्षेत्र में नाम रोशन कर रही युवा तैराक महक मनवारे को भी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा अवार्ड प्रदान किया गया। समारोह में M3 ग्रुप के दिनेश गर्ग, दखल न्यूज की एडिटर शेफाली गुप्ता, दखल न्यूज के सुधीर गुप्ता भी मौजूद थे। बिलासपुर के सरकंडा इलाके से गायब युवक की हत्या की गुत्थी सुलझाने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। पुलिस ने हत्या करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर मृतक का शव बरामद कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल किया गया सामान जब्त किया गया है। अपने सगे बेटे की हत्या का बदला लेने के लिए सौतेली मां ने इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस विभाग के यातायात थाने में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करने वाले तरुण रात्रे के गायब होने की रिपोर्ट सरकंडा थाने में दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की विवेचना में जुट गई और छानबीन में ये बात सामने आई कि आरोपी बेबी मंडल ने अपने पूर्व पति को छोड़कर मृतक के पिता शांतनु से शादी कर ली थी और घर से अलग रहकर अपोलो अस्पताल में काम करने लगी। आरोपी बेबी के पहले पति से भी 3 बच्चे थे और उन्हीं में से एक मंझले बेटे नीलेश का शव संदिग्ध हालत में कोटा क्षेत्र में सितंबर 2018 में मिला। अपने सगे बेटे की हत्या का बदला लेने सौतेली मां ने इस वारदात को अंजाम दिया। पूरी जांच में ये सामने में आया कि तरुण रात्रे के जो पिताजी हैं उसकी एक दूसरी वाइफ थी बेबी मांडले, उसके बेबी मांडले के पुत्र की 3 महीने पहले एक डेथ हो गई थी कोटा थाना क्षेत्र में, उसकी जांच चल रही थी। तो बेबी मांडले का मानना था कि तरुण रात्रे इसमें शामिल हो सकता है, इसलिए बेबी मांडले ने अपने पहले पति और दोनों बच्चों साथ ही साथ उसकी एक प्रेमिका है उन सभी को लेकर के एक प्लान बनाया कि तरुण को कैसे भी करके बुलाया जाए और उससे पूछताछ की जाए और यदि वो हत्या में शामिल होता है तो इसकी इससे कड़ी कार्रवाई वो करना चाहते थे इनके खिलाफ में। आरोपी महिला बेबी को शक था कि उसके बेटे की हत्या तरुण और उसके पिता ने की है। अपने सगे बेटे की हत्या का राज खुलवाने के लिए बेबी ने मृतक की प्रेमिका और अपने पूर्व पति सहित अपने 2 बेटों के साथ मिलकर योजना बनाई और मृतक तरुण को प्रेमिका के घर कर नींद की गोली खिलवाई और क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश किया, फिर उसके बाद तरुण का गला दबाकर हत्या कर दी और वारदात को अंजाम देने के बाद शव को कोटा के अमने गांव में अपने कृषि फार्म हाउस में गाड़ दिया। शक के आधार पर जब पुलिस ने कड़ी पूछताछ की तो सभी आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल लिया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने अमने गांव के खेत से शव को बरामद कर लिया और सभी आरोपी हिरासत में लेकर न्यायिक रिमांड पर भेज दिए गए। रीवा में 5 बदमाश घातक हथियार लेकर चंद्रलोक होटल में डकैती डालने की योजना बना रहे थे, तभी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए योजना बना रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिससे एक बड़ी वारदात टल गई। रीवा बाईपास पर चंदुआ नाला के पास सुनसान मैदान में 5-6 बदमाश घातक हथियार लिए हुए एकत्रित होकर अंधेरे में बैठकर चंद्रलोक होटल में डकैती डालने की योजना बना रहे थे, तभी पुलिस के मुखबिर ने इस बात की जानकारी आला अधिकारियों को दे दी। मुखबिर से प्राप्त सूचना की तस्दीक के लिए थाना चुरहट से छापामार कार्यवाही हेतु पुलिस की 3 पार्टियां निकली और डकैती डालने के पहले ही आरोपियों को धर दबोचा। कल रात्रि में जो है सूचना मिली थी कि कुछ जो है 5-6 बदमाश वो डकैती की तैयारी जो है वो चंद्रलोक होटल में डकैती डालने की जो है तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही सूचना मिली चंदुआ नाले के पास में पुलिस ने जो है वहाँ तक दबिश दी और जब दबिश दे करके 5 लोगों को गिरफ्तार करने में पुलिस को जो है सफलता मिली। इनके पास से काफ़ी सामान मिले हैं, टॉर्च जिसका ये उपयोग करते हैं, ये सभी जो है शातिर नकबजन हैं और सभी के ऊपर काफ़ी अपराध दर्ज हैं जो कि सतना रीवा और पन्ना जिले के ये छोटे अपराधी हैं। इसी के ऊपर 2 या 3 या 12 अपराध भी हैं। 5
जिन लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है वो है प्रदीप गोंड, दूसरे हैं सज्जन गोंड, तीसरा है शिवलाल गोंड, चौथा मनोज गोंड और पांचवें हैं रजनीश विश्वकर्मा। पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 12 बोर का देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और कई धारदार हथियार बरामद किए। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि इस गैंग से और भी वारदातों का पता चल सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।